यशोधरा नगर थाना क्षेत्र में चैन की नींद ले रहे दुकानदारों की नींद उड़ाने वाला रातोंरात एक ऐसा मामला सामने आया जहां एक के बाद एक क्षेत्र की कई दुकानों पर चोरों ने अपना हाथ साफ कर लिया, जिससे क्षेत्र के दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। चोरों का यह कारनामा सीसीटीवी में भी कैद हुआ है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह एक एक कर चोर कई दुकानों पर डाका डालते फिर रहे हैं। यशोधरा नगर थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रातों रात चोरों की टोली ने एक एक कर क्षेत्र की कई दुकानों में डाका डाल दिया। इतना ही नहीं, दुकानों सहित एक अस्पताल को भी चोरों ने नहीं छोड़ा। चोरों ने कपड़ों की दुकान, किराना दुकान, एल्यूमिनियम की दुकान, यहाँ तक के प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर भी हाथ साफ किया है। इससे क्षेत्र के दुकान मालिकों में हड़कंप मच गया है। चोरी के इस मामले से परिसर के सभी दुकानदार डर के साथ साथ हैरानी में भी है। मामले पर क्या कहा पीड़ित दुकानदार ने, आइए जानते हैं। देखिए, घटना 3:30 बजे की है। सबसे पहले सोमगढ़ मार्केटिंग यहाँ आए हूँ। यहाँ का उन्होंने शटर उठाए, शटर उठाने के बाद पूरा अंदर आए। अंदर में जितने ड्रावर रहते हैं, ड्रावर में पूरा देखे उन्होंने, यहाँ कुछ नहीं मिला उनको। यहाँ कुछ नहीं मिलने के बाद बाजू में प्रॉपर्टी का ऑफिस है, प्रॉपर्टी के ऑफिस में गए, वहाँ पे भी उन्होंने पूरा छाने उनके ड्रावर्स, वो ड्रावर्स में कुछ मिला नहीं उनको। वहाँ से फिर वो नीचे गए, नीचे में जाने के बाद डॉक्टर का दवाखाना है, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का शटर ऊपर किए। वहाँ से फिर एक एल्युमिनियम का है, एल्युमिनियम के शॉप में गए, वहाँ पे भी उन्होंने देखे, वहाँ कुछ नहीं मिला। उसके बाद बाजू में होटल है 2 शटर के बाद में, होटल में जाने के बाद वहाँ उन्होंने लैपटॉप लेके वहाँ से कुछ पैसे लिए। तो उसके बाद एक किराना दुकान है, किराना दुकान का शटर ऊपर किए, वहाँ से उनसे भी 500-600 रुपये वहाँ से लेके चले गए। ये घटना 4:15-4:30 के बीच की घटना है। ये कब की घटना है? 21 तारीख के सुबह मॉर्निंग की घटना है। ये एरिया आता है यशोधरा नगर थाने में आता है, और HB नगर एरिया बोलते हैं। इस कंप्लेंट में ऐसा हुआ कि पुलिस वाले कम से कम 10 बजे के आसपास में आए, 9:30 से 10 के बीच में। उन्होंने पूरा देखे, अभी तक तो आरोपी को ढूंढ रहे, आरोपी मिले नहीं है। वहाँ एक लैपटॉप गया हुआ है, 2 दुकानों के पैसे गए हुए हैं। 21 जुलाई की रात को चोरों की यह टोली यशोधरा नगर क्षेत्र में करीब 3 से 4 बजे के बीच रात को निकली, जहां एक एक कर पहले दुकानों के ताले तोड़ते, फिर ये चोर पैसों के ड्रॉर में पैसे उड़ा लेते और जिस दुकान में पैसा ना मिलता उसे छोड़कर फिर दूसरी दुकान पर टूट पड़ते। इस तरह चोरी का ये एक एक करता हुआ मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका। सुबह जब मामले का पता चला तो एक एक दुकानदार जब एक दूसरे से पूछने लगे तो खुद उन्हें संदेह हुआ कि कहीं हमारी दुकान में भी तो इस तरह की चोरी नहीं हुई। जब उन्होंने अपनी दुकान की तलाशी ली तो दरअसल उन पर भी ये चोरी का तूफान टूट पड़ा था। घटना 21/7/2023 4:57 की है। उसके बाद मेरे यहाँ से लैपटॉप गया जो लेनो कंपनी का था, 70,000 का, और कुछ कैश थे। मुझे पता चला किराना शॉप वाले, SM किराना शॉप है बाजू में, उन्होंने मेरे को 7 बजे बताया ये घटने के बाद। मैं यहाँ पर आके पहले चेक किया क्या गया क्या नहीं, फिर उसके बाद में देखा और लैपटॉप चोरी, 8-9 दुकान में चोरी हुई, आसपास के सभी ताले टूटे दिखे। फिलहाल आरोपी अज्ञात है जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। इस मामले ने फिर एक बार कानून के प्रति चोरों के डर के खत्म होने की पुष्टि की है, क्योंकि जिस तरह बड़ी ही बेबाकी से चोर एक के बाद एक दुकान का ताला तोड़कर चोरी कर रहे हैं, ये तस्वीर खुद इस बात की गवाही दे रही है। बहरहाल देखना ये होगा कि इन बेबाक चोरों को पुलिस कब कानून के शिकंजे में दबोचती है। NBCN न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सान सारी की रिपोर्ट।